हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8D को कवर करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने की। देखिए इसमें कुछ हम पहले आपको रूल्स बता दें। अब रूल्स में जैसे यहाँ पे ये है कि अगर सपोज कि यहाँ पे आपका 2³ = 8, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जब आप यहाँ पे लॉग 8 फॉर्म में चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे आपका लॉग 8 × 2 = या यहाँ पे 3, ये होगा। ठीक है, या इसी को हम एक तरह से और लिख सकते हैं, जो 2³ = 8 है इसको हम यहाँ पे एक तरह से और लिख सकते हैं, वो क्या होगा कि 2 = 8 पावर जाके जब क्या हो जाता है 1/5 मिल जाता है, 2 × 8 = 1/3। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ पे, तो इसको जब हम लॉग के फॉर्म लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे लॉग, इसको जब हम लॉग के फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे लॉग 2 × 8 = 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा हुआ ना। तो देखिए यहाँ पे इसमें यहाँ पे ये दोनों कंपेयर करिए, दोनों की कंपेयर बात दोनों एक ही थे, 2³ = 8 दोनों कंपेयर, एक देखो 2³ = 8 आपका ये ऐसे लिखा गया, फिर 2³ = 8 पर यहाँ पे ऐसे लिखा गया, इसका मतलब ये क्या है, ये और ये दोनों क्या है, सेम है। यहाँ पे इसका जो लॉग नंबर था वो इसका बेस बन गया, और जो बेस यहाँ का था वो यहाँ लॉग नंबर बन गया। और उल्टा हुआ है कि नहीं हुआ है, जस्ट अपोजिट हुआ है, इसका जो बेस था 2 वो वहाँ पे बेस नंबर बन गया, यहाँ पे लॉग नंबर बन गया, और जो यहाँ पे लॉग नंबर था वो यहाँ पे जो है लॉग नंबर ना बन गया, लॉग सॉरी बेस हो गया यहाँ पे। समझ आया, तो इस तरह से यहाँ पे ये और ये दोनों क्या हो गए यहाँ पे सेम। ठीक है, जब ये सेम हो गए तो इसको यहाँ पे लॉग 8 सॉरी ये लॉग 8 = 3 लॉग 8 × 2 = ये क्या हो गया 3। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये क्या है, ये है यहाँ पे लॉग 2 × 8 = ये क्या आया 1/3 आ गया, याद है दोनों, और दोनों हमें क्या आ गया, दोनों यहाँ पे दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ पे जो है आप इसको क्या लिख सकते हो लॉग 8 × 2 = अब यहाँ ये क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, 1/5 जो हो जाएगा क्या लॉग 2 × 8। ठीक है, ये यहाँ तक आपका हो जाएगा, समझ आ गया। यहाँ ये चीज ध्यान रखिएगा, और एक चीज ये भी देख लीजिए, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, जस्ट अपोजिट है, यहाँ का लॉग नंबर यहाँ का बेस बन गया, यहाँ का बेस यहाँ का लॉग नंबर, जब इस तरह के केसेस हो तो यहाँ पे आप टोटल उनका मल्टीप्लाई कर दिया, सीधे उनका वैल्यू बन कर दिया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जैसे कोई भी नंबर है, जैसे ये नंबर्स थे आपके, तो इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या लॉग, जैसे हम यहाँ बता दें कि ए एंड बी ये दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, जब ये अभी दो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग a(a)(b) = 1/log b(a). ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये रूल आप याद रखिएगा, फर्स्ट रूल आपका यही है, समझ आया। सेकेंड रूल यहाँ पे देखिए, सेकेंड रूल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड रूल हमने बताया था कि अगर यहाँ पे यही चीज अपोजिट है और दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 1, दूसरा ये हो गया। ठीक है, मतलब लॉग a(b) को हम 1/log b(a) लिख सकते हैं, है ना, ये हो गया। दूसरा हमने क्या बताया, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, लॉग a(b) · log b(a) क्या हो जाएगा 1, दूसरा ये हो गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे तीसरा है, तीसरा है लॉग a^x(a) इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमेशा वो क्या आएगी, वो जो पावर होती वही आएगी, हमें क्या बताया था ये पावर जाके अगर आगे अगर नहीं क्या होता मल्टीप्लाई, तो इसको देख लीजिए कैसे आया है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x log a(a)
और ये भी हमने बताया था कि जब बेस और ये नंबर्स दोनों सेम होते हैं तो टोटल वैल्यू क्या होती है, वन। तो ये हो जाएगा यक्स इंटू वन बराबर आ गया यक्स। ठीक है, तो ये आ गया ना। तो ये चीज़ होती है, अगर यहाँ पे बेस और नंबर्स दोनों सेम है तो वहाँ पे नंबर पे जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होती है, वही उसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर समझ आया आप लोग को। अब इसी भी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, आप ये देखिएगा। इसे क्वेश्चन हम यहाँ बता देते हैं एग्जाम्पल से ही, एग्जाम्पल से क्वेश्चन हम बता दें। देखिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है log 625 एट द बेस 125 माइनस log 64 एट द बेस 16। कह रहा है इसको यहाँ पे सॉल्व करना है, सॉल्यूशन का फैसला। और यहाँ पे इसको क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका log 625 और बेस यहाँ पे हम 10 लिखते हैं अपान। अब यही क्या हो जाएगा, नीचे log यहाँ पे बेस 10 और हो जाएगा यहाँ पे नंबर 125। ठीक है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा log 64 एट द बेस 10 अपान log। अब यहाँ का जो इसमें था 16 जो बेस था, वो यहाँ पे आगे log नंबर हो जाएगा log 16 एट द बेस 10। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साथ भी देखिए, तो हो जाएगा log 625 को आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 625 को आप यहाँ पे 5 to power 4 लिख सकते हो अपान log 10 लिख दीजिए यहाँ पे, और 125 को आप 5 cube लिख सकते हो। ठीक है, माइनस यहाँ पर ऐसे है log 64 को आप यहाँ पे 2 to power 6 अपान log 16 को 2 to power 4 लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, अब यहाँ देखिए पावर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या 4 आ गया मल्टीप्लाई 4 log 5 एट द बेस 10 अपान 3 log 5 एट द बेस 10 माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे क्या 6 log 2 एट द बेस 10 अपान 4 log 2 एट द बेस 10। अब ये देखिए log 5 कैंसिल, log 2 कैंसिल, तो ये आ गया आपका 4 upon 3 माइनस 6 upon 4। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे तो ये 2 3 2 2 4 तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये क्या इक्वल टू -1/6, ये आंसर। ठीक है, इस तरह से किसी भी नंबर का जो है जो लॉग उसका बेस है, बेस से हम वहाँ पे उसको लॉग नंबर बना करके डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये रूल आप याद रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है इफ 3/2 log a + 2/3 log b - 1। क्या दिया गया है क्वेश्चन फर्स्ट है, (3/2 log a + 2/3 log b - 1 = 0)। तो कह रहा है a^9 इंटू b^4 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए आप पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ये आगे मल्टीप्लाई को, तो ये आगे ये भी क्या बनेगा, पावर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या log a^3/2 log b^2/3 और इसको 2/1 को ट्रांसपोज कर देते आगे यहाँ पे +1 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस हुआ तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे log a^3/2 into b^2/3 = 2। इधर क्या हो जाएगा log 1 को क्या log 10 लिख सकते हैं, लास्ट log यहाँ कैंसिल, therefore a^3/2 into b^2/3 = आ गया यहाँ पे 10। अब देखिए हमें लाना क्या a^9 आएगा कैसे, a^9 कैसे आएगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे जो है 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 3 आएगा 3 9 आएगा। जब हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसी में हम दोनों साइड में 6 से क्या करते हैं पावर लगा देते हैं, ये हो जाएगा a^3/2 into b^2/2/3 whole power 6 = 10^6। अब देखो यहाँ पे 2 से 6 कैंसिल होगा, कितना आएगा 3 3 3 9, ये a^9 और फिर ऐसे b में भी आएगा 2 = कितना 10^6, ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया।
ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है एक्स वाई और जेड तीनों पहले दी गई है और यहाँ पे ये दिया गया है कि आपको एक्स प्लस वाई इज टू जेड ये भी दिया गया है, तो आपको वहाँ पे ए की वैल्यू फाइंड, जैसे यहाँ पे ए आया है ना, इस ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए वन है, वन आप पेज का आप क्या लिख सकते हो, वन पेज का आप यहाँ पे लॉग टेन लिख सकते हो, प्लस लॉग टू है, लॉग टू ऐसे रहन दीजिए इसमें, यहाँ पे करके लॉग टू है, यहाँ पे माइनस है ना, तो लॉग टू माइनस अच्छा लिख दीजिए यहाँ पे लॉग फाइव, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या, देखिए लॉग जो मल्टीप्लाई या इधर क्या बनेगा, पावर बनेगा, तो थ्री स्क्वायर स्क्वायर टू। अब यहाँ पे जो है क्या है, टू लॉग ए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे टू लॉग ए माइनस, अब यहाँ पे भी इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, टू लॉग फाइव, ये यहाँ का समय है, हमने मल्टीप्लाई हमने वहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें लॉग टेन प्लस लॉग टू माइनस लॉग फाइव, अब यहाँ ये दोनों का प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं क्या, लॉग टेन इंटू टू, लॉग टेन इंटू टू और माइनस लॉग फाइव है, तो ये आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना है, प्लस लॉग थ्री स्क्वायर, यहाँ पे क्या है लॉग थ्री स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, लॉग नाइन इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे लॉग ए रेज टू पावर टू, टू जाके इधर पावर बनेगा, माइनस लॉग ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, फाइव रेज टू पावर टू, ठीक है। अब यहाँ देखिए फाइव से कैंसिल होगा, फाइव टू जा और टू टू जा फोर, ये हो जाएगा आपका कितना, लॉग फोर प्लस लॉग नाइन, लॉग फोर प्लस लॉग नाइन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड, देन ए स्क्वायर अपान हो जाएगा यहाँ पे कितना, फाइव स्क्वायर, और फाइव स्क्वायर कितना होता है, ट्वेंटी फाइव होता है, यहाँ देखिए प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, लॉग फोर इंटू नाइन इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, लॉग ए स्क्वायर अपान ट्वेंटी फाइव, लास्ट लॉग कैंसिल, तो आपका ये हो जाएगा क्या, फोर नाइन जा थर्टी सिक्स इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर अपान ट्वेंटी फाइव, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन ट्वेंटी फाइव। अब यहाँ पे जो है आप 25 को 36 से मल्टीप्लाई, देन ए इक्वल टू आएगा 36 इंटू 25 और टोटल का स्क्वायर रूट, स्क्वायर था ना इधर, अब यहाँ पे इनको हम क्या करते हैं, 6 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर रूट 6 और 25 का 5, देन ए वैल्यू कितनी आ गई 30, ये आपका आंसर, ठीक है।